गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू, बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा, तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते। हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया। वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंकी वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा, मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे, मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना। इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं, मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू, अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी, आप देख रही हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ। मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं। आपने देखा था ना, जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा, वो फिल्म है, रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बड़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। गट्टू उदास अपने रूम में बैठा था क्योंकि पापा उसे हेयर कट करवाने ले जाने वाले थे। गट्टू उदास क्यों होते हो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। तुम ऐसे तुम्हारे बाल यहाँ बड़े रख सकते हो। चिंकी, ये तुमने कैसे किया, मुझे ऐसे ही तो हेयर्स चाहिए थे, कितना अच्छा लगूंगा मैं ऐसे बालों में। ये है 3D बेयर ऐप का नया फीचर जिसमें हम अपना खुद का अवतार बना सकते हैं। तुम बस अपनी फोटो खींचो, एक्सेसरीज सिलेक्ट करो और अपना खुद का अवतार बनाओ। तो अभी डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप और बनाओ अपना AR वर्ल्ड। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह अपने बालों को पकड़ कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा, हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वह तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाओ, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है, तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल, मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है, तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ। क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखे? वाओ, क्रेजी कट, आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार्बर से बोले, कमाल कर दिया आपने, गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट देखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो।
मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाओ गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसके क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाओ गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है। बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वो अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ, मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा। जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा, समझ गया। तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम। नहीं बंटी, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी, ये क्या करके आ गया? ये तुम पर नहीं बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया। और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे, बार-बार भी मुझे समझा रहा था लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो। नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी। अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D Bear ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।